तो दोस्तों, हम देख सकते हो वीकेंड हाउस आ गया है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेचर वीकेंड हाउस का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हाउस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपन एवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन एवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन एवी को इंस्टॉल करने के बाद इस हाउस मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस हाउस मॉड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद मेन फाइल्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस स्मार्ट फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद H64 DLC पैक्स, उसके बाद एक्शा के वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ नेचर वीकेंड हाउस 1 ईयर का फोल्डर दिख रहा है ना, इस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्शा के वो फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रेडमी का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स नेचर वीकेंड हाउस 1 ईयर आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मार्क्स में जाइए। उसके बाद अपडेट अपडेट डॉट RPF कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे जाइए। नीचे आने पर यहाँ DLC लिस्ट XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, इस टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। सेव करने के बाद ओपन एवी में फिर से मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट अपडेट डॉट RPF X64 लेवल्स GTA 5। उसके बाद स्कैनरियो में जाइए। उसके बाद एक्शा के वो फोल्डर को फिर से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद रिप्लेस फाइल्स में जाइए। यहाँ आपको एक फाइल मिल जाएगी, ZANCUDO रिवर डॉट YMT। इस YMT के फाइल को इस लोकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, हम देख सकते हो वीकेंड हाउस आ गया है।
आपका इसका लोकेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यह है इस हाउस का लोकेशन। यह हाउस आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको एक किचन भी मिल जाएगा। यहाँ एक छोटी सी बालकनी है और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। बहुत ही मस्त हाउस है और इस हाउस का लोकेशन और भी ख़तरनाक है। तो दोस्तों आपको यह हाउस कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।